क्या हाल चाल, आ गए फिर से एक नए ब्लॉग में। तो फिर से शाम हो गई है रोज की तरह, आज कालू भी है क्योंकि आज संडे था। क्या कर सकते, पढ़ाई लिखाई तो इसको करना है नहीं, तो गार्डन जा रहा था तो पीछे पीछे ये भी आ गया। तो फिर याद दिलाया इसने कि चलो ब्लॉग बना लेते, मैंने बोला हाँ ये भी बात सही है, ब्लॉग बना ही लेते। तो मैंने फिर दीपक को फ़ोन लगाया तो वो बोला कि चल, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, पहले बोला नहीं आएगा, फिर फ़ोन करता है बोलता है आ जा, अच्छा चल रहा हूँ। तो उसको भी डायरेक्ट वहीं बुलाया गार्डन से थोड़ा सा पहले, क्योंकि इसके ये पहले यहाँ बुला लेता था अपने घर, तो उसकी तबीयत ख़राब थी इसलिए घर पे बुलाया नहीं। मैं बोला चल डायरेक्ट गार्डन ही आ जा, आज उसको डिस्काउंट दे दिया। चलो फिर अभी पहुँचते हैं जहाँ पर उसको, मतलब यहाँ पर उसका घर निकलता है रास्ता उस साइड, इस साइड से आता तो उसको लम्बा पड़ जाता है। तो क्या है, अब तबीयत भी ख़राब थी बेचारी की, तो मैंने सोचा चलो जाने दो। तो अभी वहाँ डायरेक्ट पहुँच गए, फिर मिलते हैं। जगह देख रहे हो, यहीं पर वो आ जाता था पहले, और कई बार तो डायरेक्ट घर पे भी आ जाता था, कई बार नहीं हमेशा। हाँ वही, मतलब कोई ज़रूरी है बताना नहीं, ज़्यादातर घर पे नहीं आता है, वो यहीं आता है। तो अभी अरे यार गाड़ी आ रही है आगे से, हट जाओ नहीं तो उड़ा उड़ा देगी, AMC की वैसे भी गाड़ी है। ऐसे ज़्यादा रास्ता कवर कर लिए है, अभी थोड़ा सा ही दूर है 100 मीटर पे ही, फिर वहाँ दीपक खड़ा होगा, फिर थोड़ा सा और आगे गार्डन आ जाएगा उसके 200 मीटर पे। अभी तो क्या बनाते बनाते थक जाता हूँ, हाथ दर्द करने लगता है, इसलिए बीच बीच में बंद कर देता हूँ, वरना ब्लॉग तो अपना पता है बहुत लंबा चले, 20-20 मिनट का चले। देखा नहीं था पहला ब्लॉग 30 मिनट का डाला था। कैमरा ले लेंगे उसका क्या हाल होगा? नहीं तो उसमें दिक्कत नहीं रहेगा, मेन चीज़ क्या, स्टैंड रहेगा तो हाथ ही पूरा सीधा नहीं रखना पड़ेगा, समझ रहे हो? अभी पूरा ऐसे करना पड़ता भैया, अभी इसमें क्या है स्टैंड नहीं है तो हाथ से पकड़ना पड़ता है, एक तो ऊपर से उंगली भी सब एडजस्ट करके रखो, फिर बटन दबाओ चालू करते समय, बंद करते समय बटन दबाओ, बहुत तकलीफ है। इसलिए पहले सोच रहा हूँ अभी स्टिक ले ही लूँ सेल्फी स्टिक, लेकिन फिर वही आलस आ जाता है, सुबह सुबह कौन निकले, ये वो धूप रहती है, लेकिन और शाम को निकलता तो ये ऐसा मौसम देखो, बारिश वारिश का सीन कभी भी हो जाता है। एक दिन निकलूँगा बीच में कभी, तब जाके लूँगा। हाँ कभी मतलब पता नहीं, अरे वो 2-4 दिन 6 दिन हफ्ता महीना निकल लूँगा, लेकिन हफ्ता महीना साल। दीपक ने स्कैम कर दिया, यहीं आने वाला था, अभी तक आया नहीं, अभी फ़ोन लगाया बोलता है आप घर से निकल रहा हूँ, तो चलो अभी उसका वेट कर लेते, देखते कितना टाइम लगता है। अभी मिनिमम उसको 5 मिनट लगेगा, उसके घर से यहाँ का रास्ता 5 मिनट है, क्योंकि चल के जा रहे हैं यहाँ से, फिर अब 100 मीटर पर ही गार्डन है, और वो भी चल के ही आएगा, सीधी सी बात है। बोला था ना 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट हो गए, अब आ रहा है हरामी, देख लो झूमते हुए मस्त चड्डी पहन के जा रहे हैं, गाड़ी आएगी बहुत तगड़ी, चड्डी पहन के आया दीपक आज। आ जा, फोन करके बोलता है कब का निकल गया हूँ, अब आता है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से आंटी गई, कुछ सीन हो गया गार्डन पे, अभी अपने चल ही रहे हैं, देखते हैं क्या हुआ आगे जाके। गार्डन पहुंच चुके हैं और हवा काफ़ी तेज़ नहीं चल रही है कल के मुकाबले, लेकिन चल रही है, मौसम कुछ वैसा ही बन रहा है, बारिश भी आने वाली है। हाँ बादल भी गरजा मतलब बहुत ही जल्द बारिश आने वाली है, समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर बारिश आ जाएगी। चेतावनी दे रहे घर से छाता लेके निकलो। हाँ अभी यूपी में अलग बात है, वहाँ बारिश नहीं होगी। नहीं तो लगा ले। चलो वैसे भी इसका कोई काम नहीं है इधर, पता है पागल लोग होते हैं पागल, गार्डन को बहुत ज़्यादा सफा दिया है। इसी को देख लो, ये वही पागल है, समझ गए एकदम, किसी काम का नहीं, सिर्फ आना है जाना है बस। क्या बोल रहा था? आज देख सकते हो गार्डन भी एकदम साफ कर दिया, सारे पेड़ों को गंजा कर दिया है, बिल्कुल दीपक की तरह। क्यों दीपक? हाय हाय दे दिया, सारे पेड़ों को गंजा कर दिया, बिल्कुल तेरी तरह, मैं ये बोल रहा था। हाँ मैं पता नहीं किसने कर दिया, मैं गार्डनर ने किया होगा, वो क्या नवे पेड़ उगेंगे, बारिश का टाइम है ना, अभी जल्दी उगता है। ऐसा क्या? हाँ डंडे मजबूत होंगे। गंजा क्यों कर दिया, थोड़ा बाल ऊपर से, तूने क्यों गंजा हुआ ये बता। वो अलग ही चीज, ये हरा पौधा ये लाल, बहुत सारे लोग दीपक जैसे होते हैं जो बिमल खा के थूक देते हैं। डिफरेंस बताओ। कोई डिफरेंस कुछ नहीं है, ये जुबा केसरी का कमाल है। नहीं इसमें क्लोरी क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल है, और इसमें क्लोरोफिल नहीं है, दूसरे टाइप का क्लोरोफिल। ऐसा कुछ नहीं है, सारा कमाल दाने दाने में केसर का दम है।
ज्यादा तेज हो गई। और वो देखो पीछे लाल कपड़े में जा ही रहा है फिर से, देख सकते हो कभी नहीं सुधरेगा ये, गार्डन में भी नहीं सुधरेगा। जाए मम्मा बोले जब तक ऐसे लोग हैं तब तक कहाँ से गार्डन शुद्ध होगा बताओ। वो पता है वो दाने दाने में कैंसर खत्म, कल वो आके देखना पीला हो जाएगा पौधा बेचारा सूख जाएगा। फिर बोलते हैं उस साइड रे साले, मेरे को एक बार वायरस फैला चुका है। बहस होते हुए साले मेरे को 13 बजे 3 गोलियां खानी पड़ी, मैं भी हाइड होता था। मैं ऐसे 3 रोज खाता हूँ। तू खाता है मेरे को भी खिलाएगा। पता है वो क्या था, बहुत दिन से किया, मूत्र विसर्जन था, बहुत दिन से किया नहीं था ना इसीलिए। क्या ये क्या वो क्या बोल, मैं कुछ बोल दूंगा तो अभी। हाँ बोल ना। हवा काफी तेज हो गई, अंधेरा भी हो गया इसलिए दीपक भाग गया। अंधेरा पता है बादल की वजह से हुआ, वैसे बस तो अभी रहे हैं 5:30 ही, 6:30 मान लो, 6:45 बज रहे हैं। हाँ। एकदम एग्जैक्ट तो अभी मैं आदि यहीं रुक गए, हमने बोला बारिश हो रही है तो घर जाते आते अगर हो सकता है तो नहा भी ले, अच्छा लगेगा। हो सकता है लेकिन होगा नहीं, हो सकता है अगर मूड हुआ तो नहा लेंगे, क्योंकि आज भी बादल गरज ही रहे, बरस नहीं रहे। हाँ नहीं नहीं बरसेगा अभी, लेकिन चलो अभी देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। अब वैसे मैं भी बोला वैसे तो मैं भी सोच ही रहा हूँ कि अब घर ही निकलते, क्योंकि गार्डन में क्या गारंटी है पेड़ वेड़ गिर जाए कहीं, हवा तेज चल रही है तो क्या करें, चले घर ही। तो चलो फिर निकलते हैं अपने भी घर के लिए, हाथ दर्द करने लगा है इसलिए अभी कट लगेगा। बारिश हो रही है बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए रुके, थोड़ी सी भी हल्की हो वहाँ से तो दौड़ के यहाँ तक आ गए, बीच में एक जगह रुके थे फिर दौड़ के यहाँ आए, थोड़ी सी और हल्की हो फिर यहाँ से भी निकलते हैं अपने घर के लिए। घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 150 मीटर है, तो क्या बारिश थोड़ी कम हो उसके बाद दौड़ के निकल लेंगे। आके फंस गए हैं, फंस गए हैं बहुत बुरी, एक जगह भाग गया था थोड़ा सा घर भाग गया था, लेकिन हमने गलती कर दी बीच में रुक के, हमको लगा कि रुक जाते हैं नहीं तो बारिश और तेज़ हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर तक रुकी थी। घर पहुँच गए 40% भीग गए, बारिश भी कम हो गई देखो घर पहुँचते ही। चलो खैर क्या कर सकते हैं, बारिश बारिश ने किया स्कैम, धोखा दे दिया सबकी तरह, आज दीपक भी स्कैम किया बारिश भी स्कैम किया, स्कैम ही हो रहा है अपने साथ बहुत ज़्यादा। पानी मुंह में आ रहा था। चलो अब इसके बाद अपने घर निकलेंगे और हाँ फिर बाद में जो करेंगे बता देंगे इसके, अभी तो घर जाएंगे फिलहाल चेंज वेंज करेंगे फिर बात करते हैं आगे मिलते हैं। आ गए चेंज वेंज कर लिया और आज का ब्लॉग भी अपने यहीं पर करते हैं, कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो, चलो बाय बाय।